रोल रोल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगरिया में और संगरिया में आज कांग्रेस की बड़ी सभा हो रही है और राजस्थान के बड़े नेता सचिन पायलट हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, और पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा बड़िंग सहित जो बड़े नेता हैं वो मंच पे पहुंच गए हैं और आज बड़ी रैली है वो आयोजित हो रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो है स्वागत है वो किया जा रहा है सचिन पायलट का। और सचिन पायलट है कांग्रेस प्रत्याशी है अभिमन्यु पूनिया, सचिन पायलट, राजा बड़िंग और जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। सचिन पायलट का जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है और कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे। मंच की तस्वीर हमने आपको दिखाई और जो लोग पहुँचे हैं उनकी तस्वीर दिखा देंगे, क्योंकि सुबह 9:30 बजे का समय था इस रैली का और जो है लगातार जो है देरी से सचिन पायलट है वो पहुँचे और किस तरह से जो लोग हैं वो पहुँचे हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस रैली में कितनी भीड़ है, क्योंकि संगरिया की इस कांग्रेस की रैली पर सब लोगों की नज़रें हैं वो टिकी हुई हैं कि कितने संख्या में जो लोग हैं वो इस रैली में पहुंचे हैं। तो तस्वीर दिखा रहा हूं, सचिन पायलट हैं वो मंच पे पहुंच गए हैं और वो संबोधन देंगे, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं। और तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, सचिन पायलट हैं वो संबोधन है उनका शुरू हो गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सचिन पायलट है वो क्या जो है अपील करते हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रैली की तस्वीर हमने आपको दिखाई और सचिन पायलट है वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ये रैली है कई मायनों में अहम है, क्योंकि कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन है और चूंकि कल चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये बड़ी रैली है। कांग्रेस इसके बाद बड़ा प्रदर्शन अब नहीं करेगी संगरिया में और उसके बाद चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा। सचिन पायलट है वो बोल रहे हैं क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभिमन्यु पूनिया है वो सचिन पायलट की टीम के ही सदस्य माने जाते हैं, क्योंकि युवा के वो अध्यक्ष रहे हैं, सचिन पायलट के खासम खास है वो माने जाते हैं और इसी को जो है मान करके ये जो चर्चा है कि सचिन पायलट ने ही उनको टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सचिन पायलट क्या कहते हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या संबोधन दे रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। आउट कर ले, आउट आउट आउट। सारी औपचारिकताएं बंद कर कर सीधा माइक को पकड़ लिया, क्योंकि आप लोगों से निवेदन करने के लिए, इस नौजवान मेरे छोटे भाई के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका वोट मांगने के लिए मैं यहां पर आया हूं। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ कर, सबसे सलाह कर कर, नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद एक ऐसे संघर्षशील नौजवान को आपका उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे में बनाया है। आज चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हैं प्रचार में और हम सब ने अभिमन्यु जी को कई सालों से देखा है, हर मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दों पर, गंगानगर हनुमानगढ़ से लेके बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर और अलवर जयपुर तक हर जगह सड़कों पर संघर्ष कर कर नौजवानों की, छात्रों की, किसानों की बातों को लेकर खून पसीना बहाकर इस प्रदेश में आपके बेटे भतीजे ने एक नाम बनाया है। हम सबको फक्र होना चाहिए ऐसा नौजवान हमारे बीच चुनाव लड़ रहा है। पार्टी ने, बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं और टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारी बातें सोचकर देखकर कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया कि इस बार उस नौजवान को मौका दो जिसने अपना घर बार छोड़कर एक गरीब परिवार में जन्म लेकर छात्र राजनीति कर युवक कांग्रेस NSUI में अपना नाम कमाया और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो पैदल चलकर यात्रा निकाली थी उस मेहनत को देखकर आज अभिमन्यु जी को पार्टी ने टिकट दिया है। अभी राजा बड़िंग जी और मैं बात कर रहे थे, राजा बड़िंग जी आज पूरे सूबे के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा हमारा महत्वपूर्ण राज्य पंजाब है, वहाँ के अध्यक्ष हैं। इनकी शुरुआत भी यूथ कांग्रेस से हुई थी, चुनाव लड़कर मेहनत करकर एक अपना नाम कमाया था। आज जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव है और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, इस प्रदेश में सरकार दो ही पार्टियों की बनती है, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, या तो हाथ की या फूल की।
पार्टी की सरकार कहीं बनी नहीं आज तक। सरकार तो दो ही पार्टियों की बनती है, और जो माहौल आज राज्य में है, देश में है, जो बदलाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। जैसे हम लोगों ने सरकार कर्नाटक में बनाई है, हिमाचल प्रदेश में बनाई है, दो सूबों में चुनाव हो गया। अभी हमारे कुलदीप इंदौरा जी प्रमुख साहब गंगानगर के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और 25 तारीख को राजस्थान में भी यहाँ से आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ। ये हाथ का निशान हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इस हाथ के निशान के पास वाले बटन को दबाकर इस नौजवान को अपना वोट दो, ताकि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों पे भरोसा कर जो टिकट दिया है, आपका संघर्ष करने के लिए यहाँ से जयपुर जाएंगे आपका विधायक बनकर, और संग्रह विधानसभा क्षेत्र की अपनी पूरी ताकत के साथ सेवा करेंगे। ये बात करने के लिए आपके बीच में आए थे। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस का फर्क आप समझो। सत्ता में 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है, नीति, नियत और नेता आप भाजपा के देख लो और कांग्रेस के देख लो। भाजपा ने कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 3 काले कानून, 1.5 साल तक किसान दिल्ली में धरना देके बैठे रहे, ठंड और गर्मी में भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब जाके भाजपा की सरकार ने वो काले कानून वापस लिए। बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी करी, GST लेकर आए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में जमा कराने का वादा किया था, कोई वादा पूरा किया नहीं। हम लोगों ने कहा था रोजगार का अधिकार देंगे, हम नरेगा लेकर आए। हमने कहा था खाद्य सुरक्षा हो, सूचना का अधिकार हो, सब पे कानून बनाएंगे। गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सब लोगों का ध्यान रखा। कांग्रेस पार्टी का काम हमने देखा और भाजपा का काम हमने देखा। अब आपको निर्णय करना है। आपने यहाँ पर शासन भाजपा का भी देखा है, कांग्रेस का भी देखा है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, पूरे क्षेत्र में संग्रह विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। 36 कौमों की ये पार्टी, चारों धर्म की ये पार्टी, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। उस पार्टी के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दो, ताकि हम सबको लगे एक नई शुरुआत यहाँ से करनी है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन 5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया। इस संघ विधानसभा क्षेत्र में जो संभावनाएं थी वो काम आपने देख लिया। आज इस नौजवान को मौका दो। और मैं हमेशा अभिमन्यु जी को बोलता था, मैं जब 5 साल विपक्ष में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो ये राजनीति करते थे। हमने 5 साल 2013 से 2018 राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ खूब लाठियां खाई, खून पसीना बहाया, धरने दिए, भूख हड़ताल करी, पदयात्राएं करी। उस संघर्ष में मैं जिस जिले में जाता था पार्टी की बात रखने के लिए, जिस जिले में जाके कार्यक्रम करता था, सबसे पहले वहां पर अभिमन्यु पुनिया खड़ा मिलता था हम लोगों को। मैं तो पूछता था, मैंने कहा मन्यु, मैं तो जयपुर से बाड़मेर आया हूँ, बाड़मेर से जालौर जाऊंगा, जालौर से कोटा जाऊंगा, लेकिन मैं जब गाड़ी से उतरता था तो सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टीम लेकर संघर्ष करने के लिए सबसे पहले अभिमन्यु वहां मुझे दिखते थे। और इसीलिए मैंने पार्टी को कहा, जो आदमी पार्टी के लिए दिन रात 24 घंटे निस्वार्थ भावना से काम करता है, वो जनसेवक बनना चाहता है, आपका विधायक बनना चाहता है। आप सब लोगों से भूलकर जाति की, बिरादरी की, गुट की, बड़े की, छोटे की, हम सब मिलकर इस बार इस नौजवान को मौका दें। कांग्रेस पार्टी ने इस नौजवान व्यक्ति को आपके भरोसे पर टिकट दिया है। और आज मैं चुनाव से, मैंने मन्यु जी को बोला, इसमें मुझे कहा नामांकन के बाद कि सचिन जी एक कार्यक्रम करना है। मैंने कहा अभी तो चुनाव को गर्म होने दे, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, जब चुनाव के पास होगा तो। इन्होंने कहा बीजेपी के बहुत नेता आ रहे हैं, बहुत सारे भाषण हो रहे हैं, फला नेता आ रहा है, फला मंत्री आ रहा है, फला मुख्यमंत्री आ रहा है, जिले में आ रहा है, संभाग में आ रहा है, मेरे क्षेत्र में आ रहा है, भाजपा के नेता बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने कहा अभिमन्यु पुनिया जी, आप चिंता मत करो, हम एक सभा करेंगे चुनाव से ठीक पहले, उस सभा में सब बराबर कर दूंगा। क्यों बराबर कर दूंगा सुनो,
मैंने कहा कितने नेता आए भाजपा के? क्या बहुत सारे नेता आ रहे हैं। मैंने कहा हम लोग भी आएंगे। और सुनो, मैंने कहा मन्नु को 100 सुनार की और 1 लोहार। आज हम सब लोग आ गए हैं। मैं राजा भरिंग जी का धन्यवाद करता हूँ। ये पंजाब से चलकर विशेष रूप से इस नौजवान के लिए वोट मांगने आए हैं। हम लोग देरी से आए, मुझे आगे 4 सभाओं में जाना है, मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन अभी भरिंग, अभी राजा जी की आपको पूरी बात सुननी है, लेकिन मैं जाऊं इससे पहले, मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूं, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। जब तक आप मुझे विश्वास नहीं दिलाओगे कि इस नौजवान को विधायक बनाओगे, तब तक मैं जाने वाला नहीं। मुझे लोगों ने कहा संगरिया का चुनाव फंसा हुआ है, संगरिया का समीकरण ये है, यहाँ इतने समाज के वोट है, यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, जाट, बिश्नोई, जट से दलित, मुझे सबका ने समझाया। मैंने कहा नौजवान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई जाति नहीं होती, हम सबको साथ लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर चलते रहेंगे। लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ, आप सब लोग अगर इस मेरे छोटे भाई को आशीर्वाद दो और मुझे आश्वस्त करो कि यहाँ से जिताकर भेजोगे, तो मैं मन छोड़कर आगे जाऊंगा, कि तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा आप लोगों के बीच। दोनों हाथ खड़े कर आश्वासन दो, उसको आशीर्वाद दोगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे वहां बैंड बज रहा, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये आवाज जीत का जयकारा है, इस आवाज से जीत 100% सच करनी पड़ेगी। आप ही नारा दे रहा हूं, जोर से बोलना कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।